जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके कक्षा 8वीं गणित विषय का 11वां अध्याय जो कि क्षेत्रमिति, जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपकी प्रश्नावली 11.3 के पहले और दूसरे प्रश्न को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझा, सीखा और हल किया था। इस वीडियो में तीसरे प्रश्न को करते हैं। बिल्कुल सरल और आसान है, सभी प्रश्न लाइन बाय लाइन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न बच्चों हमें ये कह रहा है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, हमें दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमें दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आई बात। और हमसे पूछा क्या है कि इसकी भुजा फाइंड आउट करनी है, ठीक है, भुजा यानी साइड ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि घन का, ठीक है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², ठीक है। ए क्या होता है, भुजा यानी साइड होती है, क्लियर बात। चलो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो 6 × a² है, ठीक है, 6 × भुजा² ये किसके बराबर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। चलो तो हमें a फाइंड आउट करना है, तो हम 6 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर गुणे में है तो भाग में भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, 600/6, ठीक है। देखो 6 × 6, 6 × 6 तो कितना हो गया, देखो ए स्क्वायर बराबर में आ गया बच्चों यहाँ पर 100, ठीक है। अब बात को समझना, जब कोई संख्या प्लस में रहती है पक्षांतरित करते हैं तो माइनस में, माइनस में रहती है पक्षांतरित करने के बाद प्लस में, अगर कोई संख्या गुणे में रहती है पक्षांतरित करने के बाद भाग में, और अगर कोई संख्या भाग में रहती है पक्षांतरित करने के बाद गुणे में, कोई संख्या रूट में रहती है पक्षांतरित करने के बाद स्क्वायर में, और अगर स्क्वायर में कोई संख्या रहती है पक्षांतरित करते हैं तो रूट बन जाती है, समझ में आई बात। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जब हम इसको उधर की ओर भेजेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √100 आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना आ गया, ए बराबर में आया बच्चों, 100 किसका वर्ग होता है, 10 सेंटीमीटर का, तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो ए बराबर में 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, घन का भुजा, समझ में बात। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः घन की भुजा की लंबाई जो है बच्चों वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक नोट नहीं किए तो नोट जरूर कर ले। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सभी प्रश्न लाइन बाय लाइन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, धन्यवाद।